दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का ऑडियो आर्टिकल द हिंदू में छपे लेख मूविंग अप इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स तथा टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे लेख हाउ टू ब्रेक इनटू टॉप 50 के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल हैं। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2018, भारत की स्थिति एवं चुनौतियां। अभी हाल ही में विश्व बैंक समूह द्वारा डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2018 के नाम से एक रिपोर्ट जारी की गई है। वैसे तो इस प्रकार की रिपोर्ट पिछले कई वर्षों से जारी की जा रही है, लेकिन इस वर्ष यह रिपोर्ट भारत में चर्चा का विषय बनी हुई है। इसकी वजह यह है कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत उन 100 शीर्ष देशों में शामिल हो गया है जहां व्यवसाय या कारोबार करना अपेक्षाकृत आसान है। व्यवसाय या कारोबार करने की इसी सुगमता को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहा जाता है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत 130वें स्थान पर था। इस वर्ष भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है और यह 100वें स्थान पर आ गया है। भारत का यह प्रदर्शन काबिले तारीफ है, क्योंकि किसी बड़ी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इस तरह का सुधार विरले ही देखने को मिलता है। भारत की उपलब्धि यह भी रही कि भारत सुधार करने वाले शीर्ष 10 देशों में शामिल है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि डूइंग बिजनेस रिपोर्ट क्या है, इस रिपोर्ट में दी गई विभिन्न देशों की रैंकिंग के क्या मायने हैं, यह रैंकिंग किन किन पैमानों के आधार पर निर्धारित होती है, भारत इन पैमानों पर कितना खरा उतरता है और भारत की रैंकिंग में सुधार से भारत को क्या हासिल होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की शुरुआत कब से हुई। दरअसल सितंबर 2003 में डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2004 नाम से ऐसी पहली रिपोर्ट जारी की गई जिसमें 133 देशों की रैंकिंग 5 पैमानों या संकेतकों के आधार पर निर्धारित की गई थी। तब से विश्व बैंक समूह वार्षिक तौर पर डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को जारी करता है। इस रिपोर्ट में देशों की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में दी गई रैंकिंग को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स भी कहा जाता है। अब नजर डालते हैं डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2018 पर। अक्टूबर 2017 में जारी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2018 में 190 देशों को शामिल किया गया है जिन्हें 1 से 190 तक रैंकिंग प्रदान की गई है। रैंकिंग में उच्चतर स्थान यह दर्शाता है कि उस देश में व्यवसाय शुरू करने की प्रक्रिया अत्यधिक सरल है। साथ ही इससे यह भी प्रदर्शित होता है कि वहां किसी कारोबार को शुरू करने तथा उसके संचालन के लिए विनियामक माहौल अधिक अनुकूल है। यह रैंकिंग 10 संकेतकों के आधार पर बनाई गई है। प्रत्येक संकेतक को बराबर महत्व दिया गया है। इन संकेतकों में कर अदायगी, दिवालियापन की स्थिति का निपटारा, अल्पसंख्यक शेयर धारकों के हितों की रक्षा, ऋण प्राप्त करना, कंस्ट्रक्शन परमिट, कॉन्ट्रैक्ट लागू करना, व्यवसाय शुरू करना, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, बिजली कनेक्शन तथा विदेश व्यापार शामिल हैं। प्रत्येक संकेतक में किसी देश के प्रदर्शन के कुल योग के आधार पर उसकी रैंकिंग निर्धारित की गई है। इसके आकलन के लिए 1 जून 2016 से 31 मई 2017 तक के आंकड़ों का उपयोग किया गया है। आइए अब हम एक एक कर यह देखें कि भारत ने इन संकेतकों के संदर्भ में कैसा प्रदर्शन किया है। भारत में सबसे प्रभावी सुधार कर अदायगी में सुगमता के दृष्टिकोण से हुआ है। कंपनियों द्वारा अदा किए जाने वाले इनकम टैक्स के नियमों को सरल बना दिया गया है। इसके साथ ही भविष्य निधि यानी प्रोविडेंट फंड के भुगतान को डिजिटल माध्यम से करना अनिवार्य बना दिया गया है। इन सुधारों के कारण इस पैमाने पर भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ। पिछले वर्ष भारत कर अदायगी के पैमाने पर जहां 172वें स्थान पर था, वहीं हालिया रिपोर्ट में वह 119वें स्थान पर आ गया है। दिवालियापन की स्थिति से निपटने के संदर्भ में भी भारत में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। हाल ही में भारत में एक नया इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लागू किया गया है। यह कानून दिवालियापन की स्थिति से निपटने का बेहतर उपाय प्रस्तुत करता है। पहले के कानून के अनुसार किसी उद्यम में कठिनाई उत्पन्न होने की स्थिति में पहले उद्यम बंद हो जाता था और बाद में दिवालिया घोषित होता था। इसके कारण बंद हो जाने के बाद उद्यम का पुनर्गठन कठिन हो जाता था। नए कानून के अनुसार दिवालिया प्रक्रिया के दौरान भी उद्यम चलता रहेगा। इस सुधार के कारण भारत पिछले वर्ष के 136वें स्थान के मुकाबले इस वर्ष 103वें स्थान पर आ गया है। बड़ी कंपनियों में अल्पसंख्यक शेयरधारकों के हितों की रक्षा के दृष्टिकोण से भी भारत में सुधार हुआ है। इस पैमाने पर पिछले वर्ष भारत 13वें स्थान पर था, जबकि इस वर्ष वह 4थे स्थान पर आ गया है। इस पैमाने पर भारत विश्व के कई विकसित देशों से भी आगे है।
इसी तरह ऋण प्राप्त करने में सुगमता के पैमाने पर भी भारत पिछले वर्ष के 44वें स्थान के मुकाबले इस वर्ष 29वें स्थान पर आ गया है। कंस्ट्रक्शन परमिट के मामले में भी भारत की स्थिति में सुधार हुआ है। पिछले वर्ष भारत जहां 185वें स्थान पर था, वहीं इस वर्ष 181वें स्थान पर है। दरअसल परमिट सिस्टम को ऑनलाइन कर दिया गया है, इस कारण परमिट के लिए पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं की संख्या में कमी आई है और इसमें लगने वाला समय बेहद कम हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट लागू करने के पैमाने पर भी भारत की स्थिति पहले से सुधरी है। पिछले वर्ष भारत जहां 172वें स्थान पर था, वहीं इस वर्ष 164वें स्थान पर आ गया है। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट लागू करने में भारत में पहले जितना वक्त लगता था, आज भी उतना ही लगता है। भारत की स्थिति सुधरी हुई इसलिए प्रतीत हो रही है क्योंकि अन्य देशों में कॉन्ट्रैक्ट लागू करने में कठिनाई बढ़ी है। व्यवसाय शुरू करने के पैमाने पर भारत की स्थिति पिछले वर्ष के मुकाबले बिगड़ी है। पिछले वर्ष के 155वें स्थान के मुकाबले इस वर्ष भारत 156वें स्थान पर है। इसका कारण यह है कि अन्य देशों में इस संदर्भ में तेजी से सुधार किए गए हैं। प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के मामले में भी भारत की स्थिति बिगड़ी है। पिछले वर्ष के 138वें स्थान से फिसलकर भारत इस वर्ष 154वें स्थान पर आ गया है। इसका कारण है कि भारत में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के मामले में प्रक्रियाओं की संख्या बेहद ज्यादा है। इसके अतिरिक्त बिजली कनेक्शन लेने में लगने वाले समय और विदेश व्यापार के पैमाने पर भी भारत की स्थिति पिछले वर्ष की तुलना में खराब हुई है। जाहिर है कि 10 में से 6 संकेतकों में भारत की स्थिति पिछले साल के मुकाबले बेहतर है। हालांकि इनमें शामिल कंस्ट्रक्शन परमिट और कॉन्ट्रैक्ट लागू करने जैसे संकेतकों के मामले में भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त व्यवसाय की शुरुआत, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, बिजली कनेक्शन, विदेश व्यापार जैसे 4 संकेतकों में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट है, अतः इनमें भी सुधार की जरूरत है। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि उपरोक्त पैमानों अथवा संकेतकों में कहां कहां और कैसे सुधार किए जा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन की। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण चुनौती यह है कि लैंड रिकॉर्ड्स विभिन्न विभागों में बिखरे पड़े हैं। कुछ रिकॉर्ड्स सब रजिस्ट्रार ऑफिस में हैं, कुछ बैंकों के पास गिरवी हैं, तो कुछ विवादों के मामले में अदालतों में हैं। इस कारण यदि किसी व्यवसायी को जमीन खरीदनी है तो उसे लैंड रिकॉर्ड्स के लिए कई विभागों का चक्कर लगाना पड़ता है, जिसमें काफी वक्त बर्बाद होता है। यदि लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटलीकरण कर विभिन्न विभागों के पास उपस्थित रिकॉर्ड्स को एक दूसरे से लिंक कर दिया जाए तो यह समस्या हल हो सकती है। हालांकि भारत में लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटलीकरण हो रहा है, किंतु इसका वास्तविक लाभ तभी मिल सकता है जब भूमि के मालिकाना हक से संबंधित रिकॉर्ड अद्यतन हों। गौरतलब है कि मध्य और पूर्वी भारत के जमीन के रिकॉर्ड दशकों से अपडेट नहीं किए गए हैं। अपडेशन के बाद इसके डिजिटलीकरण से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में लगने वाले समय को कम किया जा सकता है। यदि कॉन्ट्रैक्ट को लागू करने के संबंध में बात की जाए तो इस संदर्भ में सकारात्मक पहल की गई है। दिल्ली और मुंबई में डेडिकेटेड कमर्शियल कोर्ट्स की स्थापना की गई है। ऐसे कोर्ट्स हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में होने चाहिए। साथ ही इन कोर्ट्स में इलेक्ट्रॉनिक केस मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जानी चाहिए। इससे वाणिज्यिक विवादों का अधिक तेजी से निपटारा हो सकेगा और कॉन्ट्रैक्ट लागू करने में तेजी आएगी। कंस्ट्रक्शन परमिट के संदर्भ में भी सुधार की काफी गुंजाइश है। केंद्र और राज्य सरकार के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने वाले विभागों को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से जोड़ने की जरूरत है। साथ ही एक सिंगल विंडो स्थापित करने की जरूरत है जो ऑनलाइन अप्रूवल दे सके। ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर पारदर्शी और निश्चयात्मक सूचना प्राप्त की जा सकती है। इसके आधार पर शीघ्रता से परमिट जारी किया जा सकता है। व्यवसाय की शुरुआत के संदर्भ में भी कुछ अतिरिक्त सुधार कर भारत की रैंकिंग को बेहतर बना सकते हैं। जब भी कोई व्यक्ति नए व्यवसाय की शुरुआत करता है तो उसे परमानेंट अकाउंट नंबर, GST आदि के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है। यदि इन सभी रजिस्ट्रेशन के लिए एक ही फॉर्म हो तो प्रक्रिया सरल हो जाएगी और वक्त भी कम लगेगा। इस प्रकार ESIC यानी एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और EPFO यानी एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का एकीकरण, दुकान एवं प्रतिष्ठान के रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का एकीकरण इत्यादि उपाय अपनाकर भी व्यवसाय के शुरुआत की प्रक्रिया सरल बनाई जा सकती है। सीमा पार व्यापार के संदर्भ में भारत ने कई दूरगामी सुधारों को लागू किया है जिनका प्रभाव आने में अभी वक्त लगेगा।
हालांकि अभी कुछ और ऐसे क्षेत्र हैं जहां सुधार की व्यापक संभावनाएं हैं। उदाहरण के लिए कस्टम क्लियरेंस की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ऑनलाइन अप्रूवल सिस्टम को अपनाया जा सकता है। अभी हमने जिन उपायों की बात की उनमें से कुछ के संदर्भ में भारत सरकार पहल भी कर चुकी है, आने वाले दिनों में इसके सकारात्मक परिणाम नजर आएंगे। अब हम चर्चा करते हैं उन बिंदुओं की जिसके आधार पर डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2018 की आलोचना की जा रही है। आलोचना का पहला बिंदु यह है कि इस रिपोर्ट में दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रो शहरों का सर्वेक्षण कर आंकड़े जुटाए गए हैं, अतः यह पूरे देश में कारोबारी सुगमता के संदर्भ में वास्तविक जानकारी उपलब्ध नहीं कराता। आलोचना का दूसरा बिंदु यह है कि रिपोर्ट में नोटबंदी के कारण कारोबार पर पड़ने वाले असर को शामिल नहीं किया गया है। साथ ही GST लागू करने के दौरान हुई परेशानी को इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है। कुछ आलोचकों का यह भी मानना है कि जिन पैमानों के आधार पर भारत की स्थिति में सुधार दिखाया गया है वो केवल बड़े उद्योगों के संदर्भ में सही हैं। छोटे कारोबार के संदर्भ में सुगमता में कोई वृद्धि नहीं हुई है। खैर, आलोचनाएं तो होती रहेंगी, फिलहाल हम यह जान लें कि भारत की रैंकिंग में सुधार से भारत को क्या क्या लाभ हो सकता है। सबसे पहले तो रैंकिंग में सुधार न केवल विदेशी निवेशकों को बल्कि घरेलू निवेशकों को भी प्रोत्साहित करेगा। इससे भारत सरकार के महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया अभियान को भी गति मिलेगी। विश्व बैंक का कहना है कि इससे लघु एवं मध्यम उद्योगों को गति मिलेगी और रोजगार का भी सृजन होगा। साथ ही विश्व का अनुभव यह बताता है कि जिस देश की डूइंग बिजनेस रैंकिंग बेहतर हुई है वहां रोजगार सृजन और समावेशी विकास की संभावनाएं भी बढ़ी हैं। अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से ईज ऑफ लाइफ यानी जीवन स्तर में सुधार आता है, जिंदगी बेहतर और आसान हो जाती है। अंत में हम कह सकते हैं कि सुधारों की जिस राह पर भारत चल चुका है उससे आने वाले दिनों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में भारत शीर्ष 50 देशों में शामिल हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। सवाल है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का क्या तात्पर्य है? हाल ही में इस संदर्भ में विश्व बैंक समूह द्वारा जारी वैश्विक रैंकिंग में भारत की स्थिति में सुधार के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं?